हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की कविता जो कि हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्ग फेलो के द्वारा लिखी गई है, द एरो एंड द सॉन्ग। इस कविता को सबसे पहले 1845 में पब्लिश किया गया था। यह कविता हवा में छोड़े गए बॉन का तुलना जो है जंगल में गाए गीत से है। और यहाँ पे बता दूँ कि एरो जो है यानी कि बॉन, वो हमारे क्रूर व्यवहार या हमारे करवाहट भरी बोली का प्रतीक है, जबकि सॉन्ग जो है हमारे मधुर बोली का या हमारे मित्रवत व्यवहार का वो प्रतीक है। कविता में बताया गया है कि हमें अपने शब्दों का जो चुनाव है बड़े ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा बोला गया बात किसी को आराम भी पहुंचा सकता है या किसी के दिल को ठेस भी पहुंचा सकता है। और हम कभी भी अपने द्वारा किए गए कोई भी कार्य का परिणाम नहीं जान सकते हैं, चाहे हम अतीत में कुछ भी बोले हों या कोई भी काम हम किए हों, वो ख़त्म तो हो जाता है पर वो लंबे समय के बाद भी वो हमको प्रभावित करते रहता है। हमारा कोई भी एक्शन या कोई भी हम कुछ भी बोले, वो किसी रिलेशनशिप को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस कविता। I shot an arrow into the air, it fell to earth, I knew not where, for so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. सबसे पहले इसके लिटरल मीनिंग की बात करूँ तो पॉइंट कहते हैं कि वो एक बॉन को जो है हवा में छोड़े। I shot an arrow into the air, it fell to earth, I knew not where. यह ज़मीन पर गिरा लेकिन वो कहाँ गिरा ये उनको पता नहीं, क्योंकि यह इतनी तेज़ी से हवा में गमन किया। सो स्विफ्टली इट फ्लियो द साइट कुड नॉट फॉलो इन इट्स फ्लाइट, कि वो इसके फ्लाइट को, इसके उड़ान को वो नहीं देख सके। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। यदि इसके दूसरे रूप में इसको देखा जाए तो यहाँ पे एरो जो है वो हमारे क्रूर व्यवहार का, करवाहट भरी बोली का प्रतीक है। वो किसी को क्रूरता से पेश आए या कुछ बुरा वो किसी को बोले, उन्हें ये पता नहीं कि वो कैसे जो है उसकी करवाहट भरी बोली जो है किसी को प्रभावित किया। वो अगर पता करने का प्रयास भी वो किए तो वो नहीं जान सके कि उसके क्रूर बिहेवियर जो है वो कितना क्षति पहुंचाया। आगे लिखा गया है, आई ब्रीद अ सॉन्ग इन टू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग डैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग यहाँ पर हमारे मित्रवत व्यवहार का प्रतीक है। वो खुले वन में एक गीत गाए और उनको पता नहीं चल सका कि वो सॉन्ग जो है वो किस डायरेक्शन में गमन किया। जिस तरह से स्पीकर जो है एरो का जो है वो पता नहीं चल पाया कि एरो किस दिशा में वो गया, ठीक उसी तरह सॉन्ग भी जो है वो गुम हो गया। Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from beginning to end, I found again in the heart of a friend. लंबे समय के उपरांत जब एरो और सॉन्ग के तलाश में वो निकले, वो एरो को जो है ओक ट्री के ऊपर जो है बिल्कुल सही सलामत पाते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है, I found the arrow still unbroke, कि वो एरो को जो है बिल्कुल सही सलामत वो ओक ट्री पर पाते हैं, यानी कि उनका करवाहट बोली जो है वो अभी भी विद्यमान था और वो किसी को वो क्षति पहुंचा रहा था। जबकि वो जो सॉन्ग है, जैसा कि मैंने बताया कि सॉन्ग जो है वो हमारे मधुर व्यवहार यानी कि मित्रवत व्यवहार का प्रतीक है, वो सॉन्ग अभी भी जो है शुरू से अंत तक जो कि वो गाए थे वो अपने प्रिय मित्र के दिल में, यानी कि जो मित्रवत व्यवहार, जो मधुर बोली वो किसी से बोले थे, वो लंबे समय के गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो उसके फ्रेंड के हार्ट में है।